सो वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं विरार में हूँ, तो हमारे साथ हमारी वही गैंग है, इंट्रोडक्शन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वही सब सेम लोग है। और अभी टाइम हो गया है 6:30 के आसपास, तो फिर हम जा टकमक फोर्ट, जो विरार में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स के आसपास ही है। तो अभी विरार ईस्ट में खड़ा हूँ, कुनाल भी आ गया, तो अभी हम निकलते हैं। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो डायरेक्ट मैं तुमको फोर्ट के बेस पे जाके मिलूँगा। अभी क्लाइमेट कहे तो बारिश आने के चांसेस आज ज़्यादा है, थोड़ा 80-90% चांसेस से बारिश आएंगे, क्योंकि पूरा क्लाउड डेंस कवर्ड है। और अभी जाते हैं पहाड़ों में। किधर जा रहे? लुक एट दिस स्काई, आज बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, पूरा डेंस क्लाउड है। ये वाला जीवदानी मंदिर का बैक साइड है, यहाँ पे कुनाल का पेट्रोल भर रहे। 7:20 हो गया, और ये जो ब्रिज है, ये सफवार का ब्रिज है, यहाँ से नहीं लेने का, ब्रिज के नीचे से ही जाके राइट लेना है अपने को। तो अभी हम लोग आगे आ गए और कुनाल का वेट कर रहे, उन लोग शायद पीछे ही रह गए। और यहाँ पे पीछे ही बोर्ड है, वो बोर्ड देख के ही रुक जाना। आ गया कुनाल भी आ गया, और आज बहुत ही मस्त क्लाइमेट है, बारिश गिर रही है हल्की हल्की, ओपी वेदर है, एकदम ओपी वेदर है। पीछे माउंटेन्स पे तो अलग लेवल का ही फॉग है, माउंटेन नहीं दिख रहा है, सब जगह पे फॉग ही फॉग है। आज तो मजा आने वाला है, तो क्या इंट्रोड्यूस करो, लास्ट फॉग देखा रहेगा तो इन लोग पहचान करेंगे। रास्ते में एक रिवर लग गई है, अभी तो बारिश भी हल्का हल्का है, मेरे को लग रहा है अभी ज़्यादा बारिश गिरेगी तो ये ब्रिज पानी के नीचे चले जाएगा। हल्के हल्के बारिश में भी इतना फोर्स है पानी को, देख सकते हो, दिख रहा देगा तो शायद देख लो, हल्का हल्का बारिश है। और माउंटेन के ऊपर तो भाई माहौल बन गया है, मज़ा आने वाला है। तो 8:00 हो गया रहेगा, और है ना अभी बहुत ज़ोर से बारिश आ गई है, हम लोग टोटली भीग गए, रास्ता पता नहीं है। हम लोग ऐसे छोटे छोटा पायवाट है, जो फुटपाथ बोलते हैं इंग्लिश में, और मराठी में पायवाट बोलते हैं। एंड माहौल हो गया है पूरा, सब जगह पे ग्रीन ग्रीन। तो अभी है ना एक छोटा सा रिवर क्रॉस आ गया, और बारिश जोर जोर से है, उसके वजह से ना थोड़ा पानी को ज़्यादा प्रेशर है, रास्ता पता नहीं हमको, और हम लोग जा रहे हैं। देखो बहुत सारे लोग हैं, ऑलरेडी संडे है, और थोड़ा बारिश भी है, तो ब्लॉग थोड़ा सा कम होएगा, कुछ कुछ शॉट्स मिस हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बारिश जोर से, तो मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए, पानी को प्रेशर है भाई। या जश्विन उसके आगे अक्षय पहुंच गया है, और ये व्यू देखो, पानी यहाँ पे भी पानी, और बहुत ज़ोर से बारिश है, बहुत ज़ोर से बारिश है, बहुत प्रेशर है पानी को, बहुत प्रेशर है। बस हो गया, पानी है, बारिश भी बहुत है, जाते अभी ऊपर, रास्ता पता नहीं है किसी को भी, हम खाली दूसरों के भरोसे चल रहे। कितना बजा? ये 9:30 हुआ, 7:30 को स्टार्ट किया था, दो घंटे में अपन आधे ही पहुंचे। अभी हम लोग सब बैठ गए, थोड़ा थक गए, रास्ता भूल गए शायद, पता नहीं, अभी मिला है रास्ता, शायद वही है, वही रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं, पहुंचे तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो कोई और पहाड़ चढ़ लेंगे, उसमें क्या है। ये फॉरेस्ट पूरा डेंस है, यहाँ पे बारिश भी बहुत अच्छा से गिर रहा है, तो शायद वीडियो नहीं आ रहे अच्छे खासे, जब बारिश कम होएगा तब मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाऊंगा, क्या करेगी, बाद में बोलता हूँ। ऊपर जाके अभी ढूंढता हूँ रास्ता, ढूंढता हूँ, यहाँ पे मच्छर भी है, काट रहे। ये हम लोग ऊपर पहुँच के थोड़ा रेस्ट कर रहे, 10:00 हो गए, मतलब 7:30 को स्टार्ट करके 2.5 आवर लगा, थोड़ा पानी पीते, और इधर हल्का हल्का बारिश गिर ही रहा है पूरे माउंटेन के ऊपर। तो अक्षय और जश्विन नीचे रुके, उन लोग थोड़ा वीडियो निकाल रहे,
और हम थोड़ा यहाँ पर हो गए। और कहने की बात ये है कि ये यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट डेंस फॉरेस्ट है, रास्ता भूल सकते हो तुम। अगर ये क्या हो गया, ड्रॉप पानी का गिरा। चलो थोड़ा फिर से पहुँचो। हाँ तो अभी यहाँ पे है ना एक्चुअली पूरा डेंस फॉरेस्ट है, तो अगर बारिश के सीज़न में आए तो तुम थोड़ा रास्ता भूल सकते हो। तो किसी को पूछ पूछ के आना, और वीकेंड में ही आना क्योंकि वीकेंड में यहाँ पे लोग हैं तो थोड़ी सी हेल्प हो सकती है उनके साथ पीछे पीछे आ जाने का। थोड़ा रेस्ट करते हैं और यहाँ पे माहौल हो गया है, तुम बैक कैमरा से व्यू देख लो क्या नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा बारिश आ गया। हैव फन, इट वाज ए गुड एक्सपीरियंस। कि आज एक अच्छा हुआ यहाँ पे बारिश गिर रहा था, अगर धूप में आए तो बारिश गिर रहा था उसके वजह से ना थकने नहीं हुआ इतना, पर हम चल रहे ऑलमोस्ट पहुँच गए ऊपर। थोड़ा और ऊपर जाना है तो उधर जाते हैं और वहाँ से थोड़ा व्यू देखते हैं क्या है ऊपर। लुक एट दी व्यू बॉस, लुक एट दी व्यू, वी आर ऑन दी टॉप ऑफ दी माउंटेन। ये पूरा क्लाउड्स है, यहाँ पे भी पूरा क्लाउड्स है, और ये जो मेस्मराइजिंग व्यू है, लाजवाब क्या ही बात है। फाइनली ऐसे और दो पार्ट है, ये तो पहला वाला है। और यहाँ से पूरा व्यू फुल फॉग में ही है, विंड ये साइड से, तो ये साइड से पूरा फॉग ऐसे आ रहा है और राइट साइड पे जा रहा है। और बारिश ने बहुत सही काम किया है, थोड़ा अच्छी जगह मिली तो हम टाइम लैप्स ले लेते क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑसम व्यू है। लुक कौन मिल गए, ये हमारे सब स्कूल के फ्रेंड है। हाँ? राहुल, करण, चेतन और अभिषेक। और अभी हम टकमक फोर्ट पे है और यहाँ पे व्यू देखो यार, पूरा फॉग में मजा आ रहा है। और ऊपर आने के बाद कुछ ऐसा व्यू है पीछे। एक्चुअली ये एक छोटा सा पार्ट है, ऐसा आगे और भी है, तो ऊपर जाते हैं और देखते हैं। और ये इसका ट्रैक मॉडरेट है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ा लंबा है क्योंकि तुम वहाँ पे देखो हाईवे वो साइड पे, वहाँ से इधर आना है। और बारिश की वजह से सब फॉग है तो कुछ दिख नहीं रहा, पर मज़ा आ रहा है। और शायद हम रास्ता थोड़ा थोड़ा भूल गए क्योंकि डेंस फॉरेस्ट की वजह से ना रास्ता मिलता नहीं है। हम लोग रॉन्ग रूट से गए पर राइट रूट पे आ गए क्योंकि क्या ऊपर ही बढ़ना है, तो ऊपर देख देख के आ जाओ। और फिर से हम सेकंड पार्ट पे आ गए और वहाँ पे ऊपर जाना है, बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, मज़ा आ गया। आई होप यू गाइस विल लव दिस व्यू। और आते रहना, अच्छी जगह ऐसी। पीछे से कूना ला रहा है, थक गया बंदा, आ गया। ये देखो ये पूरा ओपन हो गया, यहाँ पे थोड़े टाइम पहले फॉग था और ये सब क्लाउड्स यहाँ पे चले गए, तो ये पूरा ओपन हो गया। इसके अपोजिट साइड पे पूरे क्लाउड्स, और ये व्यू बहुत माइंड ब्लोइंग है, बहुत माइंड ब्लोइंग है, मज़ा आ रहा है। 3 घंटा ऑलमोस्ट हुआ चढ़ के, ये वाला सेकेंड पार्ट है, ऐसे ही पहले एक पार्ट था। और अपने को और ऊपर जाना है, यहाँ पे किधर गया ये, अभी जो क्लाउड्स के अंदर ढक गया वहाँ पर चढ़ना है और मज़ा आने वाला है। चलो अभी थोड़ा नीचे उतरते और ये वाले ऊपर माउंटेन पे जाना है, वहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं। धीरे धीरे करके वी क्रॉस द थर्ड माउंटेन और अभी ऊपर चढ़ चढ़ के थोड़ा थकने हुआ है। लुक बिहाइंड मी, हमें ये वाले माउंटेन पे जाना है। थोड़ा थोड़ा थकने तो होता ही है, धूप नहीं है तो क्या हुआ, हमारे लोग आगे हैं। यहाँ पे हवा है थोड़ी सी, पास करो ये। और अभी हम लोग वहाँ नीचे थे,
हाँ नीचे से ऐसा क्लाइम करके तो घूम के आना पड़ा। ये पहला था, ये दूसरा था, और ये जो माउंटेन है उसके पीछे भी एक है। और अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं और इतना ऊपर जाना है। फाइनली वी रीच ऑन द टॉप। यहाँ से ये व्यू है। थोड़ा रेस्ट करते, कुणाल तो सो गया। सो अभी पहुँच गया ऊपर। 7:30 को स्टार्ट किया था, 11:12 हो रहा है। ऑलमोस्ट 4 घंटा लगा ऊपर चढ़ने को। की हालत ख़राब हो गई है, बहुत थकने को हुआ। एक्चुअली बहुत बारिश गिर रहा था अभी, फिर अभी थोड़ा रुक गया, हल्का हल्का धूप आ गया ऊपर। वहाँ पे 2-3 वाटर टैंक है बस। अभी नीचे उतर के कल ऑफिस को छुट्टी लेने वाला है, उसका हो गया काम तमाम हो गया उसका। बस थोड़ा वॉकिंग ज़्यादा है, हाइट कम है, 1900 फीट ही है, ज़्यादा हाइट भी नहीं है, पर वॉकिंग ज़्यादा है। वॉकिंग करने को ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे हम लोगों, थकने हुआ। लास्ट व्लॉग में देखा वैसा क्लाइमेट रहता, तो अभी तक हम लोग सब डेड। यहाँ पे सब वाटर टैंक है, एक और ये दो, और पूरा फॉग के अंदर है, मज़ा आ रहा है। अभी ऑलमोस्ट 12 बज गया, 10:30 को हम लोग ऊपर आए थे, अभी हम लोग डिसेंड करना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये फॉग के वजह से, सब क्लाउड्स की वजह से कुछ देख ही नहीं रहा आजू बाजू में। तो हम लोग ने डिसाइड किया रेस्ट करने के बाद, आधा 1 घंटा रेस्ट किया, बहुत सारे फोटोज़ निकाले, डिसेंड करते और नीचे जाते। तो शायद नीचे वाटर बॉडी है, वहाँ पे थोड़ा चिल मारेंगे।